नमस्कार, मेरा नाम है शुभश्री दास, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज हिंदी के एक दिन का विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। एक दिन का कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अयोध्या उपाध्याय हरिओत का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में 1865 में हुआ था। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और अध्यापक भी रहे थे। हरिओत के प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय, प्रवास, कर्मवीर, रस कलश, चौपदे आदि। यह विषय में यह वर्णना किया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को बदल देती हैं। जैसे कभी एक दिन जैसे कभी एक दिन घमंड से भगकर छत के मरले पे खड़े थे, उसी समय एक दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनके आंखों में पड़ा। कभी बहुत घबरा गए और लोग उनको देखकर कपड़ों के मुंठे देखकर उनके आंखों को सेकने लगे। वो तिनका किसी तरह निकल गया, पर उसके बाद कवि के घमंड चुपचाप भाग गए और उनका यह विवेक यह ताना दे रही थी कि तू इतना अकड़ क्यों दिखाता है, एक छोटा सा तिनका ही तेरे लिए तेरा अकड़ चुकना चूर करने के लिए काफ़ी है। अब मैं कुछ शब्दार्थ कहूँगी। ऐंठा, ऐंठा का शब्द है कि जीत और अकड़। मंडरे, दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है। अचानक सहसा। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी कवि का जन्म कब हुआ था? अंकिता। सही जवाब, ताली मार। और कवि का प्रमुख रचनाएं क्या है? अंशुमान। प्रिय, प्रवास, प्रिय प्रवास, जदरी वनवास, कर्मवीर, इतना ही। सही जवाब, ताली मारिए। और एक तिनका का अर्थ क्या है? पापुन। सूखी घास। इतनी कहकर मैं अपना क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।